22 में से 20 डिस्ट्रिक्ट घाटी की, कश्मीर घाटी की 10 की 10 डिस्ट्रिक्टों में कोई इंटरनेट, कोई मोबाइल, कोई लैंडलाइन नहीं चल रही है, सब कर्फ्यू है। कश्मीर घाटी में एक जगह भी टैक्सी, टेम्पो, कार और बस और ट्रक का सवाल नहीं है, नहीं चल रही है। घाटी के कई इलाकों में जहां किसी की अगर डिश है तो वो टेलीविजन देख सकता है, डिश जिसकी नहीं है उसका टेलीफोन टेलीविजन भी नहीं चल सकता। और जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट तो बिल्कुल कर्फ्यू है और 3 और डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कर्फ्यू वाली स्थिति है, उनमें भी कोई भी मोबाइल, कोई भी लैंडलाइन, कोई भी टेलीफोन सर्विस नहीं जा रही है। राजौरी पुंछ जो हमारा बॉर्डर इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में 90% मुस्लिम है, दूसरी में 75% है, ये आपकी इतला के लिए बताना चाहता हूं। जम्मू प्रोविंस में कोई मोबाइल सर्विस नहीं है, कोई लैंडलाइन नहीं है, कोई कार नहीं है। बीवी अगर राजौरी में फंसी है तो पति यहां है और बच्चे अगर यहां हैं तो मां उस साइड है, लेकिन आ नहीं सकते और पैदल भी जा नहीं सकते क्योंकि कार से 6-6, 7-7 घंटे का डिस्टेंस पैदल नहीं कवर किया जा सकता। इसी तरह से चिनाव वैली में जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूं जम्मू प्रोविंस में, इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं, कोई कर्फ्यू है, कोई टेलीफोन नहीं है। मैं भी अपने भाई से बात करना चाहता था, लैंडलाइन पे नहीं हुआ, मोबाइल पे नहीं हुआ, कुछ नहीं, वहां भी कुछ नहीं चल रहा। उधमपुर और कठुआ जहां हमारे हिंदू भाइयों की मेजॉरिटी है, वहां भी मुश्किल से एक आदमी से मैं बात कर पाया और उसने बताया हमारे भूतपूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरा पत्नी एक जगह जम्मू फंस गई है, मैं यहां फंस गया हूं, बच्चे कहीं स्कूल में फंस गए हैं, लेकिन कोई मोबाइल सर्विस और उनको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और कारगिल शट डाउन है, कल सुबह सेल्फ इंपोज कर्फ्यू है यूनियन टेरिटरी के खिलाफ। मैं कल से सदन में कई दफा कह रहा हूं, सदन में भी हमारे साथियों ने भाजपा के गलत बताया कि लद्दाख की डिमांड यूनियन टेरिटरी की है। मैं मीडिया के लोगों को और एंकर्स को करेक्ट करना चाहता हूं, लद्दाख कोई जगह नहीं है, लद्दाख किसी जगह का नाम नहीं है, जैसे कश्मीर किसी जगह का नाम नहीं है। कश्मीर इज ए रीजन, उसमें श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जैसे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कोई जगह नहीं है, हिंदुस्तान में स्टेट है, दिल्ली है, महाराष्ट्र, लेकिन कोई आप स्टेट नहीं है या जगह नहीं है जिसका हिंदुस्तान या भारत कोई जगह होगा। इसी तरह से कश्मीर कोई जगह नहीं है, कश्मीर इज ए रीजन। इसी तरह से लद्दाख कोई जगह नहीं है, लद्दाख इज ए रीजन। और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है ले डिस्ट्रिक्ट विच इज बुद्धिस्ट मेजोरिटी, दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट विच इज मुस्लिम मेजोरिटी। और मुस्लिम मेजोरिटी ले वाले प्रो यूनियन टेरिटरी थे आज से नहीं 40 साल से, और कारगिल वाले उतने ही एंटी यूटी है जितने ले वाले। तो ये यहां बताया जाता है कि लद्दाख, तो लद्दाख ये मिसनामर है, ले कहिए, क्योंकि वहां 2 एजिटेशनें चल रही हैं कारगिल में, एक टेलीविजन के खिलाफ भी, वो कहते हैं कि लद्दाख वाले, तो लद्दाख वाले तो हम भी हैं भाई, कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए ले और कारगिल को कभी भी हमारे जो एंकर से गलती मत करिए, ले वाले प्रो यूटी थे इसलिए वहां का टेलीविजन दिखा रहा है, लेकिन कारगिल वाले एंटी यूटी है उसका कोई नहीं दिखा रहा, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। तो इसलिए जम्मू से भी, क्योंकि जम्मू शायद आर्टिकल 370 के खिलाफ थे वो दिखाया जाता है, लेकिन जम्मू के 9 डिस्ट्रिक्ट जो आर्टिकल 370 के फेवर में है वहां नहीं दिखाया जाता है। तो ये इस तरह से मैं मीडिया को कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के इस झांसे में मत आइए कि 2 जगह ले डिस्ट्रिक्ट में प्रो
वो एंटी ले डिस्ट्रिक्ट वाले भी एंटी आर्टिकल 370 है, एंटी आर्टिकल 370 है, लेकिन प्रो यूटी है, लेकिन आर्टिकल 370 के वो भी खिलाफ है क्योंकि ले की जमीन चली जाएगी। और जम्मू में चाहे वो आर्टिकल 370 के फेवर में हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, लेकिन 370 के वो भी खिलाफ। तो इसलिए कभी भी सरकार की इस ब्रीफिंग का आप उसका शिकार मत होइए, जब वो जम्मू शहर के चार आदमियों को नाचते दिखाते हैं या ले के चार आदमियों को नाचते दिखाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जहां रिजेंटमेंट है आर्टिकल 370 के खिलाफ या स्टेट को बांटने के खिलाफ, वो 20 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें कोई न्यूज नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, चाहे वो पेपर पे हो या टेलीविजन पे है। मैं खाली आपको ये सतर्क करना चाहता हूँ।